रेसोर्ट चोपड़ा के बीच में से जानी थी रोड नहीं है। देखो ठीक नीचे दिखता है चोपड़ा गांव पहाड़ों में। भाई रोड के बहाने पर बहुत पंगा होता है। और यार अब पिंडर वैली की इन खूबसूरत वादियों से सुखदेव भंडारे का आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो देखो आज सुबह से ही फिर से एक बार बादल आ गए भाई और ये चारों तरफ से कोहरा लग गया है। बिल्कुल पैक हो गया है पूरा मौसम। सुबह से देखो भाई फिर वही नज़ारे। और आजकल हाईवे की भी रेल बनी है भाई। सुबह 4 बजे से पहले बैलों को घास देना है, उसके बाद 5-5:30 बजे हल लाना है। तो 4 बजे से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है सब खेतों में देखो। और इन्होंने ना नीचे से ऊपर की ओर आ रहे होंगे। आप धीरे धीरे ये इधर की ओर पूरा लगाएंगे और फिर दूर दराज के खेतों में जाएंगे और 2-3 दिन में बुआई भी शुरू कर देंगे। बैलों के लिए ना सबसे टफ काम आजकल ही होता होगा क्योंकि आजकल उनको इतना हल लगाना पड़ता है। अब जिसके खेत नहीं होंगे लोग उसकी भी हल लगाते हैं बाद में। अभी तो अपने लगाएंगे और बाद में उसकी भी हल लगाएंगे। तो इस प्रकार आजकल बैलों की तो रेल बनी है भाई। और आप भी देखिए ये खूबसूरत से नज़ारे हमारे गाँव के। सुबह के 9 बजे हैं और अभी मैं चलता हूँ थोड़ा अपने सेंटर पे और सुबह से तो 12 बजे तक वहाँ पर काम करना पड़ेगा। और पहाड़ के बंदे ना अपना आधा से ज़्यादा काम तो खुद ही कर लेते हैं। अभी देखिए इन नवीन के मकान लगे हैं तो मानी सब नवीन यहाँ पर रेता भर रहे हैं भाई। अब दिन की शुरुआत होते ही सब लोग अपने कामों पे व्यस्त हो गए हैं और अपने अपने कामों पे हमेशा की तरह चले गए हैं। और अभी मैं हूँ अपने सेंटर पे और 12 बजे तक यहाँ पर काम करूँगा। दोपहर के ठीक 12:30 बजे हैं और मैं आ रखा हूँ अभी खेत में और यहाँ से ले जाना मुझे मंडवे का कट्टा। ये खेत है हमारा, इसमें ना तुअर और मंडवा इसके अलावा दालें हैं। धान का काम पूरा होने के बाद लोग साहब देखो मंडवे और उस पर लगे हैं। ठीक नीचे दिखता है चोपड़ा गांव और ये लग गया भाई रेंस गांव। तो रेंस गांव यहाँ पर से शुरू हो गया है ऊपर तक। देखिए तो गांव के ठीक नीचे आ रखा हूँ मैं आज। और इधर की ओर है चोपड़ा वालों के खेत और ये रास्ता है और रास्ते के इधर रेंस वालों के खेत। तो इस प्रकार चोपड़ा रेंस वालों के खेत भी साथ साथ में है यहाँ पे। और ये रहा नीचे में चोपड़ा गांव। रेंस और चोपड़ा के बीच में से जानी थी रोड नहीं है। देखो जहाँ पे ये पुल है यहाँ से सीधे जानी थी। तो लेकिन रेंस और चोपड़ा का बहुत भयंकर पंगा चला 1-1.5 साल। तो उसके बाद रेंस की रेल अलग से ऊपर जो कि सोनला मिलती है और चोपड़ा वालों की रेल अलग सी रोड मिली। पहाड़ों में भाई रोड के बहाने पर बहुत पंगा होता है। और यार अब उन बातों को सोच के ना हंसी भी आती कभी कि यार किस चीज़ पे इतनी लड़ाई हो रही थी। पहले मंडवा की लड़ाई होगी उसके बाद ही दालें। 1 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा इनमें अभी। और तुअर तो सीतल भाई जी काम अब 2-3 महीने का है पूरा। और यहाँ से कुछ इस प्रकार का दिखता भाई हमारे गांव का व्यू।
यहाँ से सीधे ये रहा हमारे गांव, और ये टॉप ही टॉप ऊपर चोटियाँ, और जो ये धार दिख रहा है ना इसको बोलते झंडे का धार। तो इसके पीछे भी हमारी छानियाँ रहती हैं, जो बरसात में वहाँ गाय और बैल ले जाते हैं। और ठीक ये मंदिर दिख रहा होगा आपको भारकोट, इसके पीछे है भंगोटा गांव। तो इस प्रकार यहाँ पे ये रेंस वालों की छानियाँ हैं। यहाँ पे चौथा में माँ भगवती का बहुत विशाल मंदिर है, यहाँ पर से दिख तो नहीं रहा है। और अब दिसंबर में मेला है वहाँ, 13 दिसंबर से शायद। अब ये कट्टा कर रखा माँ ने मेरे को पैक, और माँ ले जाएगी घास। तो अभी तो इसके लिए टाइम है तुअर के लिए। तो चलो इसी के साथ मैं चलता हूँ अब घर की ओर अपना कट्टा लेके, क्योंकि अब तो वैसे इतनी धूप नहीं है, लेकिन खाना खाने भी जाना ही है घर। तो मैं इन 2-3 महीनों में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो एक साथ सब काम हो जाते हैं, तो इसलिए रेल बनी रहती है सबकी। चलो जी चलते हैं घर की ओर। शाम के समय में देखो कितने सारे घुघुती बैठे हैं, और ये ना आजकल ही दिखाई देते हैं, इसके बाद ही पता नहीं कहाँ से ले जाते हैं। और सनसेट का शानदार सा नज़ारा देखिए भाई आप शाम के समय में।